माय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, सीनियर रोल्स पे हैं, जिनको कुछ ना कुछ स्टाफ रिपोर्ट कर रहा है और सेंसिटिव पोजीशन हैं, जहां स्टाफ अपनी पोजीशन को मिसयूज करके कुछ पर्सनल एडवांटेज ले सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कंपनी की, डिपार्टमेंट की, उस मैनेजर की भी बदनामी होती है। तो मैं आपको पहले एक कथा सुनाता हूं पंचतंत्र से। किसी नगर में, या लेट्स कॉल हरिद्वार, शहर के बाहर गंगा किनारे एक सन्यासी रहता था। छोटा सा आश्रम था उसका। एक बार उससे मिलने उसका गुरु वहां पर आया। गुरु वहां पर आया तो क्या देखा गुरु ने, शाम को बातें हो रही थी या बैठे थे, और ये जो सन्यासी है अपने हाथ में एक बांस पकड़ के बार 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 उस बांस को जमीन पे मार रहा है। तो उसने पूछा गुरु ने, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा अटेंशन मेरी बात में बिल्कुल नहीं है, ये बार बार फटे बांस से तुम्हारा कर रहे हो, बजाए जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, ध्यान कहां है तुम्हारा। बोला गुरुदेव, ऐसा है, आप इस चूहे को देखिए, ये मेरे भिक्षा पात्र पर जंप मार के वहां से मेरा खाना चुरा लेता है, नीचे गिराता है, सारा भोजन मेरा बर्बाद कर देता है, इसलिए मैं बांस को पकड़ पकड़ के या फटकार फटकार के इस चूहे को डराता हूं। अब उस बूढ़े सन्यासी ने देखा, अरे ये तो सचमुच में ऐसा है, ये चूहा इतना जोर का जंप ले रहा है, जमीन से 6 फुट ऊपर उछल रहा है, जो कि एक साधारण चूहे के लिए इम्पॉसिबल है। अब बूढ़े सन्यासी ने पूछा, ये कब से हो रहा है। तो ये यंग बोला, वेल हो गए 2 महीने के आसपास, ये कहीं से आया और यहीं पास में इसने बिल बना लिया। अब जब मैं शाम को यहां पर आकर बैठता हूँ, अपने भिक्षा पात्र के ऊपर टांग देता हूँ, ये जमीन से जंप मारता है, भिक्षा पात्र तक पहुँचता है और वहाँ से कुछ खाता है, कुछ गिराता है, मेरा खाना बर्बाद कर देता है, मैं परेशान हूँ गुरुदेव। उसने बोला, मार डालो। बोला, नहीं, जीव हत्या नहीं कर सकते। अब बूढ़े सन्यासी ने कुछ सोचा और बोला, एक बात बताएं, मुझे इसका बिल दिखाओ। दीपक हाथ में पकड़ा, चूहे को फटकारते गए तो चूहा अपने बिल में भागकर घुस गया। बूढ़े ने क्या किया, वहां पर एक मार्किंग कर दी, पत्थर रख दिया। बोले, एक काम करो, खोदने के लिए कुदाल ले आओ, कल हम इसका बिल खोदेंगे, क्योंकि मेरा मन कहता है यहां पर बहुत सारा धन छुपा हुआ है। अब यंग सन्यासी ने कहा, गुरुदेव आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको कैसे पता कि यहां पर धन है। बूढ़े सन्यासी ने कहा, ये जो इतना बड़ा बड़ा जंप ले रहा है, ये जरूर पैसे के बल पे कूद रहा है, इसके पास बहुत पैसा है, या कहीं से आया, इसने बिल बनाया, डेफिनेटली नीचे कुछ ना कुछ दबा हुआ है। हम सुबह, इससे पहले कि लोग हमें देखें, अर्ली मॉर्निंग अंधेरे मुंह उस जगह को खोदेंगे। खैर, दोनों सो गए। सुबह उन्होंने सूरज उगने से पहले, इससे पहले कि लोग आते, वहां पर खोदा और वहां पर उनको क्या मिला, एक सोने की मोहरों का घड़ा, या सोने की मोहरों का घड़ा मिला, जो उन्होंने आपस में आधा आधा बांट लिया कि हम इसे अपने अपने आश्रम का जीर्णोद्धार कराएंगे। वेल, क्या लिखा देखिए श्लोक में, यत उत्साही सदा मर्त्यः पराभवति यत जनान, यत उद्धतम वदेत वाक्यम तत्सर्वं वित्तजं बलम्। जिसकी वजह से, यत उत्साही, जिससे उत्साही सदा मर्त्यः, इस मृत्यु लोक का प्राणी अर्थात मनुष्य जिससे सदा उत्साही रहता है, पराभवति यत जनान, जिससे दूसरों को नीचा दिखाता है, यत उद्धतम वदेत वाक्यम, जिससे जोशीले वाक्य बोलता है, जोशीले भाषण देता है, वह सब
पैसे के बल पे ही होता है। पैसे की गर्मी इंसान को बैठने नहीं देती। फाइन, बूढ़ा सन्यासी सही था, और जब उसने वो पैसा निकाल लिया, स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली, उसके बाद वो चूहा मरी मरी चाल चलने लगा। अब उसे जरा भी नहीं कूदा जाता था। क्यों मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कुछ एम्प्लॉयज कुछ सेंसिटिव पोजीशन पे होते हैं, अगर वो कुछ गलत तरीके से पैसा बनाना शुरू कर दें, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यू मस्ट रीड देयर कम्युनिकेशन, या द बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, या थोड़ा घमंड आ जाएगा चाल डाल में, बॉडी लैंग्वेज विल बी डिफरेंट, देयर कम्युनिकेशन स्टाइल पर्टिकुलरली राइटिंग एटसेट्रा, इट बिकम मोर एग्रेसिव, या विजुअल इमेजेस, महंगी गाड़ियां, एक साल के अंदर क्रेटा आ गई, महिंद्रा थार आ गई, 9 लाख की हार्ले आ गई, सब 15 महीने के अंदर फोरेंसिक जांच कराई तो पता चला पैसे की रूटिंग हो रही थी कहीं ना कहीं से। अल्टीमेटली ही वाज टोल्ड टू गो, यस इट हैपेंड इन ए कंपनी इन गुड़गांव, देयर मेनी सच एग्जांपल्स। 12 लाख का पैकेज है, 2200 होंडा सिटी ले आया, कंपनी ने फोरेंसिक जांच कराई, सेम स्टोरी, यू आर टर्मिनेटेड। मेरे पास आया, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। मैंने कहा क्या हो गया, मेरा बॉस से झगड़ा हो गया था, उसने पॉलिटिक्स करके बाहर कर दिया। काफी तसल्ली से बात की तो फिर पता चला 2 न्यू होंडा सिटी एक साथ खरीदी हैं 12 लाख के पैकेज पे। दिस कॉल्ड विजुअल इमेजेस, बड़े बड़े सिग्नल देते हैं हम क्या कर रहे हैं, स्पीच टोन बदलती है, या हाथ मिलाएंगे तो कड़क होके मिलाएंगे। प्लीज रीड देयर कम्युनिकेशन, वॉच योर स्टाफ, नहीं तो कल को ये पकड़े गए किसी कारण से, कह देते हैं मैं तो बॉस के भी आप पे लेता हूं जी, बदनामी आपकी हो सकती है, आपकी कंपनी की हो सकती है। प्लीज बी केयरफुल, या प्लीज बी केयरफुल, वॉच देयर कम्युनिकेशन, डिमांड टोटल इंटेग्रिटी। थैंक यू।